वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आज की सुबह बहुत ही अच्छी थी और रोहन स्कूल से आ गया था तो मेरी उससे बात हो रही थी। आज तो टीका शीका लग गया है। हवन था। हवन हो गया। हाँ। कि एग्जाम की मतलब बच्चे पढ़े ना पढ़े भगवान तो कुछ से हेल्प करेंगे ही करेंगे, है ना? बोल रही थी टीचर। अच्छा आज मेरे को बच्चे कह रहे थे मैं तो व्लॉग पे लिस्ट देखता हूँ। अच्छा आगे इंद्र हमारे स्कूल में मिस्टर हैंडसम जीता था। हाँ बच्चे याद रखो, बता दिया मैंने, बताते हैं फिर कि घर पे नहीं बताता आपने। क्या 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 कुछ नहीं समझ जाएगा जो समझना चाहता है। थोड़ी जल्दी आ गया रोहन, तू एडमिट कार्ड लेना था बस आ गए फिर। कांग्रेचुलेशंस बोल देना उसे मेरी तरफ से, है ना? और वो अच्छा उस दिन जो तुम लोग फेयरवेल में गए थे, हाँ तो तुमने बताया नहीं था ये सब कॉम्पिटिशन्स भी थे। एक ही था मॉडलिंग। अच्छा। वैसे राजमा बनाने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं थोड़े जो खड़े गरम मसाले हैं उन्हें इसमें डाल के करती हूँ क्योंकि फिर वो मुंह में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो मैं जब बॉईल करती हूँ तभी डालती हूँ। राजमा बॉईल करते समय इसमें मैं पानी में खड़े मसाले वाला ये डिब्बा डाल देती हूँ और नमक डालती हूँ। जब मैं राजमा बॉईल करती हूँ तो उसमें मैं धीमी आँच में 4-5 सीटियाँ देती हूँ और जब बॉईल करने के बाद वो मैं खड़े मसाले हटा देती हूँ। और अब साथ के साथ मैं चाय भी पी रही थी और चाय पीते समय ये कप की याद आई, ये मास्टर शेफ में मेरी एक फ्रेंड गई थी उसने गिफ्ट की थी। चुना कहाँ घूमी घूमी होली है, कहाँ होली है घूमी घूमी? और ये शोले के वीरू बने हुए हैं। कटी नहीं करती गुंडी बात, बैड मैनर्स ना जी। कौन बैठा है मम्मा के साथ? हाँ कौन बैठा है मम्मा के साथ? आज तुम्हें स्कूल जाना था तो जल्दी उठा दिया तुमने, आदत ही छूट गई उस सुबह जल्दी उठने की ना। राजमा गरम कर दूं कि चलेगा? राइस तो गरम है ना। अब तुम ये गेस कर सकते हो कि मैंने चावल के साथ क्या बनाया होगा तुम्हारे लिए। गेस गेस ना रहा है ना, ऐसा तुमने कैसे गैस किया कि राजमा ही बनाया होगा? दिन में आप 5 बार गिना चुकी हो मुझे। क्या राजमा बनाया है? खा लो खा लो खा लो। रोहन प्लीज चाय बना दोगे अगर फ्री हो तो? फ्री नहीं होगा, मैं लेटा हुआ हूँ। इतना कॉमिक सीन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मतलब फ्री मतलब पढ़ नहीं रहे हो, बाकी तो कोई काम कंसिडर ही नहीं होता है, चाहे वो सोना हो चाहे जगना हो चाहे खाना हो चाहे पीना हो चाहे खेलना हो, केवल एक ही काम कंसिडर होता है पढ़ना। अगर पढ़ नहीं रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री। समझ में आ रहा है? जैसा आप लोगों ने देखा मुझे बुली करके चाय बनाने भेज दिया गया है तो अब मैंने अदरक डाल दिए, देखते हैं। फिर तो तुम जानते हो, बस आपको वार्न कर दिया कि फिर तो तुम जानते हो यार। ये रस बेटा दो मेरे को दे दो कटोरी में, है ना, या प्लेट, क्योंकि इसका वो निकलता है ना क्या कहते हैं उसको, रफ रफ सा, तो बिस्तर पे आ जाएगा। तुमने अपने लिए बनाई है? मतलब कंफर्म है कि खुशबू और टेस्ट दोनों गड़बड़ है? उठ जाओ बेटा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, नहीं तो ये वीडियो ना वायरल होने वाला है। ये वीडियो वायरल होने वाला है, है ना? और इसमें मैं एक भी क्लिप काटने वाली नहीं हूँ। ठीक है सो ही रहा हूँ, गलत थोड़ी कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं जस्ट अभी वॉक से आई हूँ और वॉक से आने के बाद मैं इतना रिलैक्स होती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूँ। और ये टाइम मतलब मेरा पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता है जब मैं वॉक करने जाती हूँ और जब मैं वॉक से वापस आती हूँ, तो थोड़ी लगता है कि थोड़ी बहुत बातचीत मैं आप लोगों से करती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। और आप एक तरह से मेरे एक फैमिली की तरह हो गए हैं। वॉक से जस्ट जाने से पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था, उसमें रोहन सो रहा था और आप यकीन मानिए मेरा सब दिन भर का सबसे बड़ा टास्क होता है रोहन को उठाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको उठाना कितना डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए।
रोहन 8:30 हो गया और तुम 6:30 बजे 6 बजे ऑलमोस्ट सो गए थे ना, 8-10 घंटे दिन में और 12 घंटे रात में, है ना। देखो तुम जगते हुए कितने सुंदर लगते हो, देखो खोलो खोलो आंखें फटाफट। सोते हुए ज्यादा लगता हूँ मैं। क्या हाल है अम्मी, क्या बना रही हो? क्या बना रहे हो? बेसन के चिल्ले। राजमा गरम कर रहे हो? हाँ। तुम क्या खाओगे बेसन के चिल्ले? बेसन से नफरत हो गई है मुझे। कब से? जब से मैंने वो मेथी के पराठे में बेसन डाल के खा लिया, तो से मुझे पता लगा है कि उसमें बेसन था। पर पता है बहुत हेल्दी होता है। हाँ हेल्दी तो होता है, बट मुझे पसंद नहीं उतना। इतना सुंदर लग रहा है, इसे निकालने में ना बहुत। अच्छा मतलब अब कहना चाह रही हो मैं निकालते टाइम आपको रिकॉर्ड ना करूं? ना बिल्कुल भी नहीं। गुड मॉर्निंग रोहन। गुड मॉर्निंग, से हाय। हाय। चलो ब्रेकफास्ट ले लो। तो फ्रेंड्स मैं भी आज खा रही हूँ आलू के पराठे। तो एक दिन तो चीट डे होना ही चाहिए लाइफ में, मतलब वीक में, लाइफ में तो बहुत सारे चीट डे हो चुके हैं। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। हफ्ते में एक बार मैं कढ़ी ज़रूर बनाती हूँ और ज़्यादातर मैं थर्सडे को ही कढ़ी बनाती हूँ। और कढ़ी बनाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ और उसमें मैं डालती हूँ 5 फोड़न। और जो दही और बेसन का जो घोल होता है उसमें मैं बेसन की क्वांटिटी बहुत ही कम रखती हूँ और दही ज़्यादा रखती हूँ और उसे अच्छे से फेट करके फिर मैं कढ़ी बनाती हूँ। और कहते हैं ना कि कढ़ी में जितना उबाला है उतनी ही कढ़ी अच्छी बनती है, और धीमी आंच में कढ़ी बनाते रहो तो बहुत ही स्वाद बनती है। और मैंने हल्दी इसमें बाद में डाली थी और हल्दी को पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्मेल आती है हल्दी की। अनुरुद्ध मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है और वो 4th में है, तो वो इतना इंजॉय कर रहा है व्लॉग्स को। और सबसे बड़ी बात है मेरे घर का हेड ऑफ द फैमिली मेरी मम्मी और सबसे छोटा अनिरुद्ध, दोनों ही व्लॉग्स को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और उसे व्लॉग में सबसे ज्यादा इंजॉय किस चीज को करता है? रोहन को जब डांट पड़ती है। तो मैं पूछती हूँ रोहन इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेगा। हेलो रोहन, तो तुम्हें अनिरुद्ध के लिए कोई मैसेज दोगे? मजा आता है ना तुम्हें डांट खाते देखने में। तो तुम उसे कुछ तो मैसेज दो कि भाई क्या करें कि हमें डांट नहीं पड़े, मतलब उसे पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो सो खेलो कूदो। और तुम बताओ कि तुम्हें डांट पड़ती क्यों है? मुझे डांट नहीं पड़ती है। अब तो जग जाहिर हो गया डांट नहीं पड़ती, अब तो उसे बिल्कुल जस्टिफाई मत करो कि मुझे डांट पड़ती नहीं है। डांट तो पड़ती ही पड़ती है, क्यों पड़ती है वो बता दो तुम। ये वो बताएगा जो मुझे डांटता है, मैं नहीं बताऊंगा। तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं अभी थोड़ा मार्केट के लिए निकलूंगी, मुझे बैंक भी जाना है, और जो भी शॉपिंग करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।